अस्सलाम वालेकुम, मैं शबाना मामा दी बेस्ट चैनल पर आप सब लोगों को वेलकम करती हूँ। आज जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ वो है चिकन समोसे, और चिकन समोसे हैं और वेजिटेबल के साथ हैं वो। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं, किस तरह से बनते हैं। आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। समोसा बनाने के लिए ये माटे पटिया हैं, ये बंद गोभी है, शिमला मिर्च है, गाजर है, हरा प्याज है, हरी मिर्च, सोया सॉस, नमक, काली मिर्च और ज़ीरा, और ये क्रश चिली। चिकन मैंने पानी में डाल दिया बॉईल करने के लिए, इसमें लहसुन मैं डाल रही हूँ। और ये चिकन मैंने जो लिए है वो 1.5 पाव के करीब चिकन है, और सीने के पीस हैं, हड्डियाँ भी हैं उसमें थोड़ी सी शामिल। लहसुन अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ क्रश करके, और आप कर लें आराम से। अब मैं इसमें थोड़ा सा अदरक है, अदरक इसमें ऐड कर रही हूँ, और इसे आप कद्दूकश कर लीजिए आराम से, कोई मसला नहीं है। नमक भर के मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, ये बॉईल करने रख रहे हैं, और इसी में ये सारा पानी खुश्क कर लेंगे, इससे जायका फ्लेवर अच्छा हो जाएगा। अब मैं काली मिर्च, ज़ीरा और सूखा धनिया, इन तीनों चीज़ों को मैंने ले लिया 1 टी स्पून, और ये तीनों चीज़ें मैं क्रश कर रही हूँ। और ये देखें थोड़ा मोटा मोटा सा मैंने ये बना लिया, ये कूट लिया इसमें। ये गाजर है जो मैंने इसे अब चॉप कर ली है, बारीक बारीक चॉप कर ली। शिमला मिर्च इसे भी चॉप कर लेंगे, और ये मैं बंद गोभी ली है इसे भी मैं बारीक बारीक काट रही हूँ, और आप बारीक बारीक इसे कर लीजिए क्योंकि हम समोसे बना रहे हैं तो बारीक ही जाएगी इसके अंदर। तो तमाम बंद गोभी को मैं बहुत अच्छी तरीके से क्रश कर रही हूँ बारीक करने के बाद। ये ग्रीन अनियन है और हरा प्याज बहुत अच्छा लगता है, और इसे भी मैं बारीक काट रही हूँ, और आप देख लें जितना भी आप इसमें ग्रीन इसमें डालेंगे और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, फ्लेवर भी अच्छा आएगा। तो मैं इसे अभी आपके सामने ये क्रश कर रही हूँ, बारीक बारीक चॉप कर रहे हैं। ये 2 टेबल स्पून के करीब पैन में मैंने ऑयल डाल लिया है, इसे गरम कर रहे हैं, और गरम होने के बाद ये तमाम सब्जियां जो कटिंग करी थी, चॉप करी थी मैंने, ये तमाम इसमें शामिल कर दी। अब ये मुर्गी के जो हमने रेशे निकाल लिए थे वो बॉईल करने के बाद ये भी इसमें शामिल कर रही हूँ मैं, और तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से सब एक साथ डाल देंगे, कोई मसला नहीं है, सब चीज़ें हम एक साथ इसमें शामिल करेंगे, और जो इसका पानी है सब्जियों का वो खुश्क हो जाए जब तक हम इसे भूनेंगे। ये हरी मिर्चें हैं 3 से 4 अदद, ये भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, और हरी मिर्चें डालने के बाद अब जो हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं वो है ये हरा प्याज, और हरा प्याज भी मैंने बारीक कटिंग कर लिया था, हल्का बारीक इसको रखना है। तमाम सब्जियां, तमाम चीज़ें सब इसमें शामिल कर दी मैंने। तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद ये नमक, काली मिर्चें और ज़ीरा और सूखा धनिया जो था वो मैंने पीसा था वो भी इसमें शामिल कर दिया, ये इसमें कुटी हुई मिर्चें भी मैंने शामिल कर दी। आप इसमें सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी, सिर्फ हमने इसकी भुनाई करनी है 5-6 मिनट तक, इसे हमने चलाते रहना है ताकि ये नीचे से लगे नहीं और अपने ही पानी में ये नरम हो जाए। पानी इसका खुश्क हो जाना चाहिए ताकि ये पानी जब इसका खुश्क हो जाएगा तो समोसा बनाते वक्त हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड कर दिया। समोसा पट्टी के लिए ये मैं थोड़ा सा आटा लेकर इसमें पानी में घोल रही हूँ ताकि समोसा पट्टी के अंदर हम फिलिंग के दौरान इसे यूज़ करेंगे। तो बस इस तरह से अब थोड़ा सा आप इसे घोल लीजिए और ये चलाएं ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना हो, और इसमें कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ पानी और आटा है। समोसे पट्टियाँ ये मैं अलग कर चुकी हूँ, और इसको बहुत हल्के हाथ से आपने अलग करना है। अब हम समोसा रोल बना रहे हैं, और ये जो मिक्सचर हमने बनाया था ये ठंडा करने के बाद इसके अंदर अब हम फिलिंग कर रहे हैं। आपने इसे ठंडा करना है फिर उसके बाद फिलिंग करनी है, और इसे बस हल्के हाथों से आप इसे भरिए, बिल्कुल कुछ ज़्यादा नहीं है। वो जो लई हमने तैयार की थी आटे और पानी की, इसको आप ये जो खुले वाले हिस्से हैं इसमें लगा दीजिए और इसे फोल्ड कर दें, बहुत आराम से ये फोल्ड हो जाएंगी, और बस हमारे समोसे
बिल्कुल रेडी हो गए। बस अब हम इसे फ्राई करेंगे। अब इस तरह से आप ये बनाते रहिए, सारे जितने भी आपके पास यहाँ मौजूद हैं बस एक एक करके ये सारे समोसे हम तैयार कर लेंगे। तमाम समोसे अब हमारे हो चुके हैं, ये तमाम रेडी। ये सारे समोसे मैंने फिलिंग इनकी भर ली है। ऑयल अब हमने गर्म करने के लिए रख दिया, इसे डीप फ्राई करेंगे। आप जितने आपकी कढ़ाई में गुंजाइश है उतने आप इसमें समोसे डाल दीजिए और इसे डीप फ्राई कर लीजिए। बहुत आराम से इन्हें पलटते जाइए और ये बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार समोसे रेडी हो रहे हैं। अब ये गोल्डन फ्राई हो चुके हैं, बस इस स्टेज पे आप उतार लें, ज़्यादा नहीं इसे अब हमने फ्राई करने। बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल तैयार हो गए और कितना शानदार इसका कलर आ चुका है। तो अब ये मैं डिश आउट कर रही हूँ और आप इसको फिर डिश आउट कर लीजिए। बहुत क्रिस्पी मज़ेदार से चिकन समोसे तैयार हो चुके हैं। तो जनाब समोसे तलकर हो गए हैं रेडी। आप भी इसे ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे बने हैं, बहुत अच्छे लगेंगे आपको। अगर ये पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलें दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।